दोस्तों, जब से कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ काफी ज्यादा भयानक घटना घटी है, उसके बाद से ही महिलाओं की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेनों में डेली लाखों की संख्या में महिलाएं सफर करती है, जिनमें से काफी सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि ग्रुप में ट्रैवल करती है ट्रेन में। लेकिन दोस्तों, कई बार ट्रेनों में महिलाओं को अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, और ऐसे में ट्रेनों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जो कंप्लेंट है वो भी हमें आए दिन देखने को मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों, अब इंडियन रेलवे ने काफी बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में जानने के बाद ट्रेन में सफर करने वाली सभी महिलाओं को काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, खास तौर से ऐसी महिलाएं जो कि ट्रेन में अकेले ही सफर करती है। अब ऐसी महिलाओं के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा आपकी सहेली अभियान को शुरू किया गया है। अब दोस्तों, ये जो मेरी सहेली नाम का अभियान शुरू किया गया है, इसको लेकर काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है, क्योंकि दोस्तों इस मेरी सहेली अभियान का जो फायदा है वो ट्रेन में ना केवल अकेले ट्रैवल करने वाली महिलाओं को मिलेगा, बल्कि इसका फायदा ट्रेन में सफर करने वाली सभी महिलाओं को मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करें कि मेरी सहेली अभियान के अंडर महिलाओं को ट्रेन में किस प्रकार से सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी सहेली अभियान की जो टीम है उसमें आपको सारी महिलाएं ही देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों, ये जो टीम होगी वो ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिलाओं से पूछताछ करेगी। बेसिकली यहाँ पर ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिलाओं से पूछा जाएगा कि उनको कोई सफर में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर यात्रा के दौरान उनको किसी भी व्यक्ति के द्वारा परेशान तो नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल अब इस टीम के द्वारा ट्रेन में अकेली सफर कर रही महिलाओं से पूछे जाएंगे। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि मेरी सहेली अभियान की ये जो टीम है, बल्कि इस टीम के द्वारा ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं को कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में भी बताया जाएगा, जिन टिप्स और ट्रिक्स के इस्तेमाल से महिलाएं ट्रेन में बिना किसी परेशानी के और सेफ्टी के साथ ट्रेवल कर सकती है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर महिला यात्री को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, तो ऐसी महिलाएं हेल्पलाइन नंबर 182 पर फोन करके अपनी प्रॉब्लम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी दे सकती है, और इस नंबर पर कॉल करने के बाद आरपीएफ की जो टीम होगी वो महिला के पास सेफ्टी के लिए पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे के द्वारा जो ये मेरी सहेली नाम का नया अभियान चलाया गया है, ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, और यही कारण है कि इस अभियान को लेकर काफी ज्यादा तारीफ भी की जा रही है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।